हुसैनी तर्ज ज़िंदगी में बहुत अहम है और उसे बसीरत कहा जाता है। एक बिसारत है और एक बसीरत है। बिसारत हम अपनी आँखों से जो देखते हैं उसे बिसारत कहा जाता है, इस देखने की सलाहियत को, जो भी हम अपनी आँख से देखते हैं, जहाँ जहाँ तक हमारी आँख की हदें हैं, जहाँ जहाँ तक हमारी नज़र काम करती है, तो जितनी भी चीज़ों को देखते हैं तो जो सलाहियत इन चीज़ों को दिखाने के लिए है उसे बसारत कहते हैं। बसीरत क्या है? इन आँखों के साथ साथ इंसान के दिल की आँख भी खुली हो उसे बसीरत कहते हैं। यानी इंसान मसाइल को देख रहा हो और दिल की आँख से देख रहा हो। अच्छा, अब यहाँ पर एक अहम पॉइंट है, वो ये कि कभी हो सकता है कि इंसान की ज़ाहरी आँखें ना हो, नाबीना हो, लेकिन उसकी दिल की आँख खुली हो और इस तरह से खुली हो कि उन चीज़ों को देखे जो ज़ाहरी तौर पर जिनकी आँखें सही हैं, खुली हैं, देख सकते हैं, वो भी ना देख सकें। इसी को बसीरत कहा जाता है। और इसीलिए रिवायत कहती है, हदीस कहती है कि फ़क़दुल बसर अहवनु मिन फ़क़दिल बसीरा। अगर इंसान की ये आँख फूट जाए, ख़राब हो जाए, आँख से न देखे, तो ये इससे बेहतर है कि इंसान के दिल की आँख फूट जाए। यानी अगर हमारे लिए, यानी दीन ये कहता है कि कोई ऐसी जगह हो कि जहाँ हमारे लिए चॉइस का हक हो कि आप इंतखाब कर सकें, चॉइस करें कि आपकी दिल की आँख फूटी हो और आप इस दुनिया में रहें या ज़ाहरी आँख, तो दीन कहता है कि ज़ाहरी आँख फूटी हो ये चलेगा, लेकिन दिल की आँख नहीं फूटना चाहिए, दिल की आँख रहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इसी दिल के ज़रिए से, ये जो आँख खुली होती है, हम उन चीज़ों को देखते हैं कि जिन्हें ज़ाहरी आँखों से नहीं देखा जा सकता। इसलिए मोमिन के लिए कहा जाता है इत्तकू फरासतल मोमिन, मोमिन की फिरासत से बचो। क्यों? इन्नहु यन्ज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन इस आँख से नहीं देखता है बल्कि नूर इलाही से देखता है, नूर परवरदिगार से देखता है। उसकी फिरासत, उसकी ज़हानत से बचो। और देखें, ये वो अंदाज़ है कि जो दीन के सिलसिले से भी, आप कुरान करीम की आयत को देखें, कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन तबअनी व मा अना मिनल मुशरिकीन। जो पैगंबर दावत दे रहे हैं लोगों को, तो किस तरह से कुरान कह रहा है कि पैगंबर लोगों से कहिए कुल हाज़िही सबीली, ये मेरा रास्ता है, अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन, मैं जो लोगों को दावत दे रहा हूँ तो इस तरह से कि बसीरत के साथ, यानी गहरी नज़र के साथ, जहाँ पर दिल की आँखें खुली हैं उस तरह से। शायद मैं अपनी गुफ्तगू को वाज़े नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं एक मिसाल से वाज़े करूँ। एक वाक़या है, तारीख में मिलता है कि एक शख्सियत हैं जिन्हें आप सब पहचानते हैं, अबा बसीर। एक और शख्सियत हैं, उन्हें तारीख कहती है अबा हारून, ज़ाहिरन अबा हारून, या बहरहाल एक ऐसी शख्सियत के वो भी नाबीना थे हारून की तरह। अब देखिए, बसीरत कहाँ पर इंसान को पहुँचाती है? दोनों नाबीना हैं और दोनों नाबीना एक ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी आँखें हैं, वो देख सकते हैं। तो एक सहाबी जो नाबीना है दूसरे से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम को देख रहे हो? तवज्जो कीजिएगा, सलावात बाबा जब बुलंद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़ा अजीब है ना कि एक नाबीना, एक अंधा इंसान जिसे नहीं दिखता हो, वो दूसरे से कहे कि तुम फलां को देख रहे हो। बड़ी अजीब चीज है। तो एक नाबीना दूसरे से कह रहा है कि तुम इमाम को देख रहे हो, और उधर से जो जवाब आता है कैफा ला अरा वह नूरुस साते, उधर नाबीना है लेकिन वो कह रहा है कि कैसे न देखूं, मैं जहां जाता हूं एक नूर रहता है मेरी नजरों के सामने, वो नूर इमामत है। जो कीजिएगा, इसका मतलब यह है कि कैसे देख रहे हो, यहां तो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं देख रहे हैं, तुम कहां से देख रहे हो? कहा ये इमाम को जो देखा जाता है ये जाहिरी आंखों से नहीं देखा जाता, इसके लिए दिल की आंख होना जरूरी है।
एक सलावात पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो दिल की आंखों से इंसान हकीकत को देखता है, दिल की आंख अगर रोशन होती है तो इंसान हकीकत को देखता है, वो चीजें देखता है जो और लोग नहीं देख पाते। पूरी तवज्जो कीजिएगा, दो तीन नमूने में इसी करबला से आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, इसी मकतब हुसैनियत से, जहां तक हो सका अपने वक्त पर कोशिश करूंगा कि मजलिस खत्म हो चुकी, ताखीर से भी शुरू हुई। एक मकाम के जहां हानी इब्ने उरवा हैं, तवज्जो कीजिएगा, और हानी इब्ने उरवा के सामने इब्ने ज़ियाद है, और हानी इब्ने उरवा को कैद करके लाया गया, इब्ने ज़ियाद के दरबार में कैदी बना के लाया गया है जकड़ के रस्सियों में, और इब्ने ज़ियाद कहता है कि हानी बताओ मुस्लिम कहाँ है, मुस्लिम का पता बताओ, मुस्लिम कहाँ है। तो हानी सिर्फ ये नहीं कहते, तवज्जो कीजिएगा, हानी ये सिर्फ ये नहीं कहते कि मुस्लिम का पता मुझे नहीं पता है, नहीं मालूम कहाँ है, नहीं कहते मुझे नहीं मालूम, बल्कि हानि क्या कहते हैं, ये बसीरत है। ये देखें कि सिर्फ ये जाहिरी आंख नहीं, दिल की आंख खुली हुई है। तो हानि कहते हैं बदबख्त, पूरी तवज्जो कीजिएगा, बदबख्त तू मुझसे मेरे मेहमान के बारे में पूछ रहा है, जैसे मैंने अपना मेहमान बनाया है तो उसके बारे में मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ है। खुदा की कसम, ये देखें तारीख में अजीब हुसैनी तर्ज जिंदगी है, हुसैनी लाइफ स्टाइल, इसको आप देखें कि तारीख में कहीं नहीं मिलेगा। हानी कहते हैं कि तू मुझसे मुस्लिम के बारे में पूछ रहा है, खुदा की कसम अगर जहां पर मैं पैर रख के खड़ा हूं जरा सा मेरा पैर का हटा लेना, इतना थोड़ा सा पैर जरा सा मैं खिसका लूं, हटा लूं, ये हटा लेना इस बात का सबब बने कि मुस्लिम तक तू पहुंच जाए, तो खुदा की कसम एक रत्ती बराबर अपने पैर को हटाऊंगा नहीं कि मुस्लिम कहां है, इतना करने के लिए तैयार नहीं हूं। यानी बताना यह चाहते हैं कि तू मुझसे हानि का पता पूछ रहे हैं, तू भूल जा कि मैं हानि को बताऊंगा, अगर मेरा पैर अगर हटे और हानि का पता चल जाए तो इतना पैर भी हटाने के लिए तैयार नहीं हूं। ये हानि की बसीरत है, और जो दूर तक देख रही है कि हानि मकतबे करबला का शागिर्द है, हुसैन का परस्तार है, हुसैन का आशिक है, क्यों बताऊं, जान जाती है तो जान चली जाए, लेकिन एक जालिम को मैं क्यों बताऊं, नहीं बताऊंगा। ये एक मंजिल आप इसको देखें, और दूसरी जहां पर बसीरत नहीं होती है वहां क्या होता है। ये जो हानि है इनकी आप तारीख अगर उठेखें तो मिलेगा कि जब हानि अपने घर से बाहर निकलते थे तो 4000 का लश्कर घोड़े पर सवार इनके साथ निकला करता था, 8000 लोग पैदल हुआ करते थे। अगर ये बनी मुराद और मुजाहिज कबीले के सरदार थे, अगर बुलाते थे लोगों को तो 30000 लोग आया करते थे इनकी आवाज के ऊपर। ये हानि की शख्सियत है, और जब हानि को गिरफ्तार करके लेके जाएगा, पूरी तवज्जो कीजिएगा, ये बसीरत मैंने आपके सामने रखी, और अब जहां पर दिल की आंख अंधी हो जाती है, जहां इंसान के पास बसीरत नहीं होती, वहां देखें क्या होता है। तो जब इस हानि को गिरफ्तार करके लेके जाया गया और हानि के कबीले वालों को पता चला, तो तारीख में आप देखें मिलेगा कि हानि के कबीले वालों ने पूरे दारुल इमारा को घेर लिया इब्ने ज़ियाद के, और इस वक्त इब्ने ज़ियाद के पास इतनी फौज भी नहीं है कि मुकाबला कर सके, वो सब बाद में उसने कंट्रोल हासिल किया है। इस मंजिल पर आप तारीख में देखें, बड़ा हसास मरहला है, तवज्जो कीजिएगा, हुसैनी तर्ज जिंदगी क्या है, और जब हुसैनी तर्ज जिंदगी ना हो और यजीदी तर्ज होता है तो कहां से कहां इंसान पहुंचता है। वो हानि की बसीरत थी, यहां पर देखें बेबसीरती, जहां दिल की आंखें लोगों ने फोड़ ली हैं। तो ऐसी मंजिल पर इब्ने ज़ियाद बहुत चालाक इंसान है और बहुत ही फरेबी है, इसे पता है कि अगर हानि के लश्कर वालों ने मेरे दरबार को घेर लिया है, दारुल इमारा को घेर लिया है, तो अब मुझे जाए फरार नहीं है, मारा जाऊंगा मैं। तो अब क्या किया, जो उस जमाने का सबसे मोतबर इंसान था लोगों के दरमियान, जज था, आप चीफ जस्टिस कह सकते हैं, काजी, उसका नाम था उस कूफे में शुरह, कादी शुरह, उसको बुलाया। पूरी तवज्जो कीजिएगा, देखिए करबला, पूरी करबला यूं ही नहीं रुनुमा हो गई, ये पूरा एक चैन है,
एक सिलसिला है जो करबला तक पहुंचता है। किसी एक जगह आप गलती करते हैं, नतीजा ये निकलता है, और वो गलती आपके सामने मैं रख रहा हूं। जब पूरे इसके दारुल इमारा को घेर के खड़े हुए हैं और ये परेशान है, तो ये काजी शुरह को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें लोग मानते हैं, तुम्हें लोग जानते हैं, तुम पर एतबार करते हैं, जाओ लोगों के दरमियान जाओ, दारुल इमारा की छत पे जाओ, लोगों को खिताब करो और जाके कहो कि क्या प्रॉब्लम है भाई, तुम्हें क्या मुश्किल है, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों चीख रहे हो, क्यों तलवारें निकाली हुई हैं। तो लोग कहेंगे कि भाई हानि को कैद किया हुआ है, तो तुम कहना कहाँ कैद किया हुआ, मैंने तो खुद देखा है, इब्ने ज़ियाद ने, हानि एक कबीले का सरदार है, एक अहम शख्सियत है, उसे अपने घर पर बुलाया, दावत के लिए बुलाया अपने दरबार में मिलने के लिए। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, ये पॉलिटिशियन बुलाते हैं, बहुत सारे मसाइल को हल किया जाता है, बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है, हानि को भी बुलाया है, गुफ्तगू करने के लिए बुलाया है। किसने बता दिया कि कैद किया गया है, किसने बता दिया कि हानि जख्मी है। ये वो मरहला है कि काजी शुरह पूरी देखेंगे, पूरी करबला का रुख यहाँ से चेंज हो रहा है। काजी शुरह आके खड़ा होता है लोगों के सामने, कहता है मुझे पहचानते हो, हाँ तुम्हें पहचानते हैं, यानी क्या कहना चाहता है, यानी मेरी बात पे यकीन है, हाँ मुकम्मल यकीन है। और यहाँ देख के क्या आया है कि हानि जख्मी है, हानि जेल में है, हानि को गिरफ्तार किया गया है, हानि जिंदान में है। तो ये वो मंजिल है कि जहां पर अगर ये बयान कर देता, ये बयान कर देता कि हानि को बहुत बुरी तरह से इब्ने ज़ियाद ने मारा है, जख्मी है हानि, क्या कर रहे हो, जल्दी करो, तो अजीजों क्या इसकी जान जाती, इतनी तेजी के साथ हमला होता कि पूरा इब्ने ज़ियाद का महल किस तरह से इंतकाम के सैलाब में बह जाता पता भी ना चलता, और मामला करबला तक ना पहुंचता। पूरी तवज्जो, मामला बहुत हसास मरहला है, यहां तक ना पहुंचता। लेकिन इसने क्या किया, कहता है कि मैंने चाहा कि हानि जिस हालत में है उसे मैं बयान कर दूं, लेकिन मैंने देखा कि इब्ने ज़ियाद ने मेरे सामने बिल्कुल एक गुलाम खड़ा किया हुआ है और उसका हाथ उसकी तलवार के ऊपर है, मैं डर गया। और जब मैं डर गया तो मैंने कहा कि भाई तुम क्यों यहां पे आए हो, क्यों परेशान हो, क्यों तलवारें निकाली हुई हैं, हानि को कुछ नहीं हुआ है, इब्ने ज़ियाद ने मेहमान बनाया है। जैसे ही मैंने ये कहा, लोगों ने मेरी बात पे एतबार किया, सब चले गए, सब चले गए। ये एक गलती जो बसीरत के न होने की वजह से हुई, इसने कहां तक पहुंचाया, महसूस कीजिएगा आप कि बसीरत क्या है। और अब पूरी तवज्जो, इसका मतलब यह है कि हमारे समझ में आ गया कि हमारी के बसीरत क्या होती है। अगर बसीरत हो तो इंसान इतना मसाइल को समझता है गहराई के साथ में कि एक जनाब मुस्लिम का पता नहीं बताता, हानि को पता है आज नहीं कल मुस्लिम को पकड़ लिया जाएगा, मुस्लिम शहीद हो जाएंगे, यहाँ नहीं जानते हैं हालात के तहत, लेकिन मुस्लिम की शहादत में मैं क्यों किसी तरह से हिस्सेदार बनूं, बल्कि मेरे ऊपर तो वाजिब है कि जहां तक हो सके अगर एक सांस के बराबर भी हो तो मुस्लिम को बचाऊं, ये बसीरत कहती है। अब पूरी तवज्जो कीजिएगा कि जहां पर बसीरत, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलावात पढ़ें, कि बसीरत यह है, बसीरत अगर ना हो तो इंसान गोया अंधा है, जाहिरी तौर पर जिसकी आंखें ना हो वो अंधा नहीं है, बल्कि जिसके पास बसीरत ना हो वो अंधा है। जब हमने बसीरत को समझ लिया, पूरी तवज्जो कीजिएगा, अब हमें तारीख में एक शख्सियत मिलती है। बसीरत का मतलब तेज नजर, बसीरत का मतलब हालात को पहचानना, बसीरत का मतलब हालात पर पड़े हुए पर्दों को चाक करके दूर तक हकीकत को देखना, इसे बसीरत कहा जाता है। अब एक शख्सियत मिली कि जिसको मासूम ने बढ़कर सलाम किया, आवाज दी, काना अम्मुनल अब्बास नाफिदल बसीरा, कि हमारे चचा अब्बास साहेब बसीरत थे, और कितने साहेब बसीरत थे, नाफिदल बसीरा, यानी बसीरत के अंदर भी नुफूज रखने वाले थे। एक तो बसीरत होती है, एक बसीरत के अंदर गहराई पाई जाना, गहराई का पाया जाना। अब अबुल फजल अब्बास की शख्सियत को पहचाने कि ये शख्सियत क्या है, कान अम्मुनल अब्बास नाफिदल बसीरा व सुलबल ईमान, इनका ईमान मुस्तहकम था। जाहदा मा अबी अब्दुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम, ये वो शख्सियत थी कि जिसने हजरत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहि सलातु वस्सलाम के साथ जिहाद किया,
وَأَبْلَى بَلَاءً حَسَنًا, اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے سخت ترین منزل پر بہترین امتحان دیا, وَمَضَى شَهِيدًا, اور پھر شہادت کی منزلوں سے ہمکنار ہو گئے. وہ بھی کیسی شہادت کہ اِنَّا لِلْعَمِّ الْعَبَّاسِ شَأْنٌ عِنْدَ اللَّهِ, کہ ہمارے چچا کی پروردگار کے نزدیک وہ شان ہے, یغبطہ بہی جمیع الشہداء, اس شان کے اوپر تمام شہداء رشک کرتے ہیں, غبطہ کرتے ہیں کہ مقام ہمیں حاصل ہو جاتا. تو یہ مقام کس بنیاد کے اوپر حاصل ہوا ہے؟ بصیرت کی بنیاد کے اوپر. یہ جو شخصیت ہے اس کو آپ پہچانیں. تو حسینی طرز زندگی ہم سے بصیرت کا مطالبہ کرتا ہے. بس یہاں تک پہنچنے کے بعد ایک سوال کا جواب اور آپ کی زحمت کو ختم کر رہا ہوں, توجہ سے سنیے گا. جب حضرت ابو الفضل عباس کے تذکرہ آیا یہاں تک, تو ایک منزل ہے, آپ نے تاریخ کربلا کو سنا, مقتل میں علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جب گئی ہے فرات کے اوپر اور 4000 کا لشکر ہے, پوری توجہ کیجیے گا, یہ جو 4000 کا لشکر ہے تو یہ شخصیت جب گئی ہے تو 4000 کا لشکر بھاگا ہے, بھاگ گیا. ابو الفضل عباس نے مشکیزے کو فرات میں ڈال دیا, پانی کو بھرا ہے, اور بھرنے کے بعد واپس آئے ہیں, اور جب خیام کی طرف جا رہے ہیں, پوری توجہ کیجیے گا, جب خیام کی طرف جا رہے ہیں تب دشمن نے حملہ کیا ہے, تب دشمن نے حملہ کیا ہے. اچھا, ایک انسان کتنا بھی بہادر و شجاع ہو, وہ تیزی کے ساتھ اگر آ رہا ہے اور فوج چھٹ رہی ہے, تو یہ فوج جو چھٹ گئی, جب عباس نشیب میں نیچے کی طرف ہے نا, پانی نشیب کی طرف, نیچے کی طرف گئے ہیں, جب نیچے کی طرف گئے ہیں تو فوج کو پلٹنا چاہیے تھا, پوری توجہ کیجیے گا. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو حضرت ابو الفضل عباس پانی بھر رہے ہیں مشکیزے میں, تو یہ فوج کیا دور سے دیکھ رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے فوج؟ پوری توجہ کیجیے گا, یہ فوج کیا کر رہی ہے؟ تیر آنے چاہیے تھے کہ نہیں آنے چاہیے تھے؟ بھائی کوئی قریب سے آ کر اگر حملہ نہ کرے تو کم سے کم تیر تو آنے چاہیے تھے, تو لیکن کہیں نہیں دکھتا, بلکہ ملتا ہے کہ ابو الفضل عباس نے گھوڑے کو ڈالا ہے, اور ڈالنے کے بعد پانی میں آپ تھوڑی دیر ٹھہرے ہیں, مشکیزہ خشک تھا, پھر مشک بھری ہے جری نے, اور پھر لے کے چلا ہے, کچھ تو وقت لگا نا. اور پھر یہ جو منزل ہے, یہ نہیں کہ ابو الفضل عباس نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے, نہیں, اترے ہیں گھوڑے سے, اتر کے مشک کو بھگویا ہے, یہ منزل ہے. آپ پوری توجہ کیجیے گا کہ یہ جو نشیب کا جو علاقہ ہے, جیسے یہاں پر سمندر ہے تو سمندر صاف ہوتا ہے, آپ اس کے ساحل پر جائیں تو صاف ریت ہے, لیکن جو فرات ہے, ندی ہے, نہر ہے, تو یہاں پر اوبڑ کھابڑ ہوتا ہے, تو ایک وقت لگا ہے اترنے میں, 5, 7, 10, 15 منٹ لگے ہیں. تو اتنی دیر میں یہ فوج کیا کر رہی تھی؟ پوری توجہ, اسی کا جواب دینا ہے اور مجلس کو ختم کر رہا ہوں, اسی کے جواب پر اور ربط مسائل, پوری توجہ کیجیے گا, یہ کیا تھا, اس کو سمجھنا ہے عزیزوں. تو آئیے دیکھیں کہ عباس کون ہے. عباس حیدر کرار کے لال کا نام ہے, پوری توجہ کیجیے گا, حیدر کرار کے بیٹے کا نام عباس ہے. اور ایک عزیزو, ایک یہاں پر ایک بریکٹ میں ایک بات بھی بیان کر دوں, آج کل ایک عجیب و غریب فکر آ گئی ہے, بڑی پرابلم ہے, ہم اس مجلس عزا اور اس فرش عزا کی برکتیں اپنی جگہ پر ہیں, ایک مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اگر کوئی خطیب, کوئی ذاکر, کوئی گوشہ اہل بیت کے فضیلتوں کا, فضائل کا بیان کرتا ہے, تو بعض جگہوں پر ہوتی ہے کہ بھائی یہ کیا سنا رہے ہیں آپ, ارے فضیلت اہل بیت, فضائل حیدر کرار, اس کے سننے کے بعد یہ سوال کہ یہ کیا سنا رہے ہیں, آپ کو کیا چاہیے, کیا چاہیے؟ کہ وہ ذکر جس کے ذکر کے اندر عبادت ہے. تو آج یہ ایک انحراف پیدا ہو گیا ہے, اور فرش عزا سے یہ آوازیں آنے لگتی ہیں کہ ہمیں میسج چاہیے, پیغام چاہیے. بالکل میسج آپ لیجئے, پیغام لیجئے, کتابیں ہیں, ذاکرین ہیں, واعظین ہیں, سب سے آپ لیجئے میسج, لیکن اگر کوئی ذاکر اگر فضیلت اہل بیت بیان کر رہا ہے, تو اگر فضائل علی بیان کر رہا ہے تو ایمان کی جھلا کا ذریعہ ہے, اسے بھی سنیے. تو عزیزو, اس منزل پر تمام دوستداران اہل بیت سے جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے, سنیے گا کہ حیدر کرار کون ہے. حیدر کرار علی ابن ابی طالب کی ذات بہت مختصر طور پر, وہ شخصیت ہے, 23 سال کے تھے کہ شب ہجرت کھچی ہوئی ننگی تلواروں میں علی سوئے,
और 23 साल में रसूल को बचाया। 23 साल, सिन 25 साल का हुआ, जंगे बद्र में आए, वलीद को मारा, शैबा को मारा, और जब काउंट किया गया कि जंगे बद्र में कितने मुशरिकीन मारे गए तो मिला के 70, इन 70 में 35 या 25 तन्हा अली ने मारे। तन्हा अली ने, यह अली 25 साल के, 26 साल के हुए, तो जंगे उहद में अली ने रसूल को बचाया। 27 साल के हुए तो जंगे खंदक में अम्र इब्ने अब्दुवत को पछाड़ा। 28 साल के हुए तो मर्द मैदा बन के आए मरहब को पछाड़ा। पूरी तवज्जो, और ये अली जब 32 साल के हुए, पूरी तवज्जो कीजिएगा, 32 या 30 साल के हुए तो हुनैन का मारेका सर किया। हर एक मंजिल पर उस दौर में जब अली जंगों में निकलते थे तो हर तरफ ये आवाजें होती थी कि अली आ रहे हैं, अली आ रहे हैं। कोई कहता था नहीं अली ना कहो, ये कहो कि सुर्ख मौत आ रही है, सुर्ख मौत आ रही है। ये मंजिल थी अली इब्ने अभी तालिब की, पूरी तवज्जो कीजिएगा। और जब अली 33 साल के हुए तो अली ने कुछ नहीं किया, बल्कि पैगंबर ने अली को मैदान गदीर में बुलंद किया, मन कुंतो मौला फहादा अली मौला। अब मुनाफिक जितने थे सबको पछाड़ा अली ने। पूरी तवज्जो कीजिएगा, जितनों के दिल में निफाक था वो सबको शिकस्त मिली। तो अली अपनी जिंदगी में, पूरी तवज्जो, अपनी जिंदगी में जो जाहिरी तौर पर जो कुफार हैं उनको भी पछाड़ रहे हैं, जो मुशरिकीन हैं उनको भी पछाड़ रहे हैं, जो मुनाफिकीन हैं उनको भी पछाड़ रहे हैं, तो अली के नाम का पूरे अरब में एक डंका बजता है। पूरी तवज्जो कीजिएगा, अब यही अली जब आए इस मंजिल पर कि अली ने बादे वफाते पैगंबर दीन को बचाने के लिए, दीन को बाकी रखने के लिए खामोशी इख्तियार की, जब अली ने खामोशी इख्तियार की तो 25 साल का सुकूत है। पूरी तवज्जो, 25 साल तक अली खामोश, कहीं अली की तलवार नहीं दिखती। अब उसके बाद जब ये अली जो 33 साल तक हर एक जंग में नजर आया फ्रंट पे, पहली मंजिल पर, अगर कहीं पर यह हुआ कि इस्लाम को जीत मिली और कोई सवाल करता था कैसे, तो कहा गया कि हाँ वो अली थे। उहद में यह हुआ कि तुम तो जीत रहे थे, हुआ क्या, पैगंबर तो कत्ल कर रहे थे, पैगंबर को वहां तक पहुंच गए थे, पैगंबर कैसे बच गए, कहा कि पैगंबर तो चले जाते लेकिन क्या करें कि अली आ गए। तो अजीजों, हर एक मंजिल पर अली, बद्र में अली, खंदक में अली, उहद में अली, खैबर में अली, और उसके बाद हुनैन के मैदान में अली, हर एक मंजिल पर अली। तो लोगों के जहन में यह बात बैठ गई, लेकिन एक नस्ल गुजर गई। पूरी तवज्जो कीजिएगा, जो बूढ़े हैं वो जानते हैं और वो अपने बच्चों को समझाते हैं कि अली से मुकाबला न करना। इस पूरे खित्ते अरब का जो सबसे बहादुर इंसान है उसे अली कहा जाता है, तो ये बात है। लेकिन जो नई नस्ल है वो अली को नहीं पहचानती, नई नस्ल नहीं पहचानती। अब आया मारे का सिफीन का, अली का सिन है 60 साल। 60 साल में इंसान बूढ़ा हो जाता है, 60 साल में इंसान तलवार उठाता है तो उसके हाथ कांपते हैं। अब तारीख ने एक मंजर लिखा, पूरी तवज्जो कीजिएगा, कि सिफीन के इस मारके में एक मर्तबा अमीर शाम के सामने अमरयास आता है, कहता है कि अब तो ये तो सिफीन का मुकाबला है। और ये कब, कि जब अली ने घाट पर जो कब्जा किया हुआ था अमीर शाम ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है, उसके बाद की मंजिल है। तो अमरयास कहता है कि जा, अब तू जाके लड़ अली से। कहता है नहीं, अली के सामने नहीं जाऊंगा। कौन आता है, हुरैस, और ये एक बहादुर इंसान था। पूरी तवज्जो कीजिएगा, ये एक बहुत बड़ा बहादुर इंसान था। इसको बाकायदा इसके जज्बात को उभारता है, जिसको कहते हैं चढ़ाना हमारी जबान में, बहुत ऊपर चढ़ा दिया। उसे कहता है कि अरे तू तो इतना बहादुर है, शक्ल से देखने से लगता है कि तुझसे ज्यादा बहादुर कोई नहीं है। ये मंजिल थी, अमरयास ने इतना चढ़ाया कि इसने आके वो गलती की कि जो इससे पहले अम्र इब्ने अब्दुवद और मरहब कर चुके थे, और अली को मुकाबले पर बुलाया। अब तारीख ये कहती है कि जहां 60 साल का सिन है, एक मर्तबा अली आए और आने के बाद एक ही वार में हुरैस ढेर हो गया, एक ही वार में। ये जो मंजिल है, एक ही वार में जब ढेर हुआ, तो अब एक शख्सियत है जिसका नाम तारीख में मिलता है, कुरैब बिन सबा। पूरी तवज्जो कीजिएगा, कुरैब बिन सबा। इसके लिए तारीख कहती है कि इतना बड़ा शुजा था, इतना बड़ा मैदान जंग का खिलाड़ी था, कि सिक्के, उस दौर के मोटे मोटे सिक्के होते थे, उन सिक्कों को अपने हाथों में लेके दबा देता था तो राख बन जाते थे।
राख बन जाए। देखिए तारीख में क्या नाम है, कुरैब बिन सबा, ये आता है, आने के बाद मुकाबिल तलब करता है, मौला के लश्कर से तीन लोग निकलते हैं, एक को शहीद करता है, दूसरे को शहीद करता है, तीसरे को शहीद करता है। अब ये मंजिल है कि अब फिर जब आवाज देता और कोई है, तो एक मर्तबा फातह खैबर निकलता है। अब आए और आने के बाद कुरैब को एक ही वार में खत्म किया, एक वार में खत्म करके अली ने कहा हल मिन मुबारिज, और कोई है? लश्कर शाम से दूसरा आया, उसे कत्ल किया, पहली जो लाश थी उसकी लाश पे दूसरे को डाला, तीसरा आया तीसरे को कत्ल किया, दूसरे की लाश पे तीसरे को डाला, चौथा आया चौथे को कत्ल किया, तीसरे की लाश पे चौथे को डाला, और उसके बाद एक मर्तबा मुस्कुरा के कहा और कोई है? पूरी तवज्जो कीजिएगा, ये कितने बरस में, जहां पर अली का सिन 60 साल का है, 60 साल का, यानी अली ये बता रहे हैं वो जाहिरी लोग होते हैं, वो जाहिरी लोग होते हैं कि जिनके ऊपर बुढ़ापा तारी होता है, अली की रगों में अबू तालिब का लहू है, अली की रगों में अबू तालिब का लहू है। और इन चारों को मारने के बाद अजीजो लश्करे शाम में एक हड़कंप है कि जा अमीरे शाम तू जा, कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अब क्या हुआ, बुस्र बिन अर्ता, इसको भेजा गया, ये उस जमाने का शुजा इंसान, मौला के सामने आता है, मौला ने एक वार किया, नीचे गिरा। अब मौला तलवार लेके आगे बढ़े हैं, तो वही हरबा जो इससे पहले अम्र आस ने इस्तेमाल किया था, अपने आप को नंगा कर लिया, मौला ने इसे छोड़ दिया। ये जैसे ही पहुंचा अम्र आस के पास, अम्र आस ने मुस्कुरा के कहा ए शख्स बड़ा अच्छा तूने हरबा इस्तेमाल किया, मैं भी इसी से बचा हूं, इसलिए कि अली के तलवार के सामने इंसान अपनी बहादुरी से नहीं बचता है, अपनी मक्काई से बचा करता है। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सलामत रहे। इस मंजिल पर जब बस्र बच गया तो एक और आया, उसे कहते हैं मुखारिक, जो आया और उसने आने के बाद मौला से मुकाबला किया, मौला ने उसके साथ 8 और लोगों को, गिनते चले जाए 8 और लोगों को मौला ने फिन्नार किया। और जब फिन्नार कर दिया तो इस मंजिल पर तारीख कहती है अली ने अपने खोद को हटाया और हटा के लश्कर को देखा और कहा आना अबुल हसन, मैं अबुल हसन हूं, पहचानो। यानी अली बताना ये चाह रहे थे ओ बदबख्तों, ये ना सोचना कि अली बूढ़ा हो गया है, यहां बुढ़ापा और बचपना एक जैसा होता है, हम जब पैदा होते हैं और कल्ले अजदर अगर आए और गहवारे में, तो गहवारे में कल्ले अजदर चीरते हैं, और अगर एक मंजिल आए तो बाबे खैबर को दो उंगलियों में बुलंद करते हैं, और मंजिल आगे बढ़े तो 60 साल के सिन में हम मारका पलट देने की सलाहियत रखते हैं। क्यों? इसलिए कि हम अपनी बातनी ताकत पर, रूहानी ताकत पर यकीन रखते हैं। पूरी तवज्जो कीजिएगा, इस मंजिल पर, ये जो मैंने हजरत अबुल फजल अब्बास से यहां मोड़ा है, इस सवाल का जवाब दे रहा हूं, जहन में रहे कि जो मजमा क्यों दूर दूर तक भाग गया, क्यों हजरत अबुल फजल अब्बास पर हमला नहीं कर रहा है, तो उसको आप देखें। और उसके बाद मौला ने अपने बेटे को भेजा है और बेटा आया है जिसे जरी गाजी अबुल फजल अब्बास कहा जाता है। सिन कितना है? कुल 16 या 17 साल का। सामने कौन आया है? अबू शासा। अबू शासा ने कहा कि मैं जाऊं, कहा कि नहीं मैं पहले नहीं जाऊंगा। 7 बेटे हैं, एक बेटे को भेजा, अब्बास ने काम तमाम किया, दूसरे को भेजा काम तमाम, तीसरे को भेजा काम तमाम, चौथे को भेजा काम तमाम, पांचवा छठा सातवा, जब सातों को फिन्नार किया तो दांतों को पीसता हुआ आया है, लेकिन सामने जब आया एक मर्तबा देखा कि नहीं ये भी गया, अब सारे पूरे सिफीन के इस मार्के में ये बात मशहूर हो गई कि किसी से लड़ना ना अली के सामने जाना, ना अली के बेटे के सामने जाना। अब इस मंजिल पर अजीजो एक मकाम, बस जहमत को मैं खत्म कर रहा हूं, इस सवाल का जवाब और जहमत खत्म, रब्त मसाइब, वो एक मंजिल ये है कि लोगों ने अब्बास की जंग भी देखी और अली की जंग भी देखी। ये जो जंग होती है नस्लन बाद नस्लन मुंतकिल होता रहता है। मैं सिर्फ एक मिसाल जहन को करीब करने के लिए, जहन को सिर्फ करीब करने के लिए दे रहा हूं, बच्चों की समझ में आ जाए। कोई मुकायसा नहीं है
ना अली की जात को मुकाबला करके बयान किया जा सकता है ना अबुल फजल अब्बास की, सिर्फ मिसाल ताकि बच्चों के ज़हन में बात वाज़े हो जाए। क्या होता है? होता यह है, आपकी यहाँ टीमें होती हैं मुख्तलिफ, आपने देखा होगा, क्रिकेट का मैच भी देखा होगा, पूरी तवज्जो कीजिएगा, जब कभी क्रिकेट का मैच होता है और कोई बहुत ही खतरनाक बैट्समैन अगर आ जाए और वो बॉलर उसके सामने आए, कोई बहुत ही अच्छा बॉलर, और ये पहली बॉल पे उसको दिखाए बाउंड्री के बाहर सिक्स, दूसरी पे फिर सिक्स, छह बॉल छह सिक्स, उसके बाद जब कभी भी कहीं पर भी इसका उस बैट्समैन से सामना होता है तो ये कांपता है, और उसके बाद अगर वो कप्तान कहे कि भाई क्या हो रहा है, कैसी बॉल फेंक रहे हो, फुल टॉस तो तुम नहीं फेंक देते, तुम्हारी तो बेहतरीन बॉल स्विंग करती थी, स्विंग भूल गए, ये क्या हो गया, स्विंग क्यों नहीं कर रहे हो, और तुम ऐसी बॉल क्यों नहीं फेंक रहे हो कि जो ऐसा हो के स्टंप उड़ा दे, तो कहेगा क्या करूं, फेंकना चाहता हूं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि क्या है, ये कैसे खेल रहा है, ये सारी बॉलों का मेरा खेल रहा है और इस वक्त मैं होपलेस हो गया हूं, मेरे मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो अजीजों मंजिल यही थी कि कभी मैदान में खेल के होता है कि जहां पर इंसान की लेंथ लाइन बिगड़ जाती है, बॉल कहीं डालता है, पौती कहीं है, अब ये ना पूछो कि 4000 का लश्कर क्या कर रहा था, इसने देखा था कि सुफीन में गाजी ने क्या किया, इसे पता था अबुल फजल अब्बास की रगों में अली का खून है, जब गाजी गया दुश्मन भागा, दूर से तीर तो आ रहे थे लेकिन सबकी लेंथ लाइन बिगड़ चुकी थी, कोई तीर नहीं पहुंच रहा था, कहीं घबराहट थी, कहीं हाथ कांप रहे थे, और जरी था जिसका फरात से कब्जा था, ये मंजिल थी, ये मंजिल थी, बहुत दूर चले गए थे यशकिया, जान को बचाना था और कांप रहे थे, ये मंजिल थी, ये मंजिल थी, और इस बुनियाद के ऊपर बस अजीजों यहाँ से देखें जिसकी इतनी शुजात हो, जिसकी इतनी बहादुरी हो, बहादुरी हो, जालिमों ने उसे कैसे शहीद, कैसे शहीद किया, वरना अबुल फजल अब्बास के हाथों को काट दिया जाना जो मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं है, किसी की माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जना था, जो जरी का मुकाबला करता, लेकिन इस जरी के अंदर बसीरत पाई जा रही थी, बसीरत अबुल फजल अब्बास, जो देख रहे थे अब्बास, आज तुम पानी भी पी सकते हो, फरात पे तुम्हारा कब्जा है, जंग भी लड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें न पानी पीना है, न जंग करना है, इसलिए कि तुम्हारी तशनगी रहती दुनिया तक की प्यासी रूहों को सैराब करेगी, जहां जहां वफा की प्यास होगी तो अबुल फजल अब्बास तुम्हारी प्यास लोगों की रूहों को वफा से सैराब करेगी। बस अजीजों, अलमदार करबला का मातम, उस जरी का मातम है जिसे अब्बास कहा जाता है, कमरे बनी हाशिम, जैनब की ठारस का नाम अब्बास है, सकीना की आस का नाम अब्बास है, और मौला ने कितना आमादा किया है, एक बहुत दूर से एक शख्स आता है, मौला के पास, कूफे में, दूर से आता है, और आने के बाद एक संदूक को खोलता है, उसमें एक शमशीर है, चमक रही है, मौला ने शमशीर को लिया, उसको देख रहे हैं, अबुल फजल अब्बास मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और शमशीर को हसरत भरी नजर से देख रहे हैं। मौला ने कहा बेटा अब्बास मेरे करीब आओ, करीब बुलाया, शमशीर को निकाला और अब्बास के हिमायल कर दिया, अब्बास के हाथों में दे दी, और देने के बाद मौला गिरिया करने लगे, किसी ने पूछा मौला गिरिया क्यों कर रहे हैं, कहा कि कितना अच्छा लग रहा है अब्बास के ऊपर ये तलवार सजी हुई, लेकिन हाय एक दिन वो आएगा जब मेरे बेटे के बाजू काट दिए जाएंगे। और अजीजों अली ने किस तरह से करबला के लिए तैयार किया है, सन 40 हिजरी, मौला वसीयत कर रहे हैं, सर पे ज़रबत लगी हुई है, फर्क शिगाफ्ता है, इस आलम में हर एक को मौला ने अपने करीब बुला के हसन के हवाले किया,
زینب حسن کے حوالے, ام کلثوم حسن کے حوالے, محمد حنفیہ حسن کے حوالے, حسین کو حسن کے حوالے. ایک مرتبہ آنکھوں کو ابھی بند کیا تھا کہ دیکھا پائتی کوئی خاتون ہے جس کی گریے کی آواز آ رہی ہے, گریے کی آواز آ رہی ہے, علمدار کربلا کا ماتم ہے عزیزوں. ایسے گریا کرنا جیسے بین الحرمین بیٹھے ہوئے ہو, بین الحرمین, بین الحرمین. میرے اس غازی کی خطا کیا ہے, شعرا نے اس انداز سے اس کو بیان کیا, میرے غازی کی خطا کیا ہے آقا, کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا. ایک مرتبہ مولا کی آنکھوں میں شاید آنسو آئے ہو, بلایا, اسے شعرا نے اس طرح سے بیان کیا, بلایا امام حسین کو, حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا, عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا, اپنے سے قریب کیا. اور قریب کرنے کے بعد وصیت کی, توجہ کیجیے گا, وصیت کیا کی؟ عباس, اذا کان یوم عاشورا, جب عاشور کا وقت آئے, وانت دخلت فی المشرع, اور تم گھاٹ پر قبضہ جما لو, انت دخلت فی المشرع, ایاک ان تشرب الماء, میرے لال پانی نہ پینا. یہ سن 40 ہجری میں ابو الفضل عباس سے وصیت کی مولا کائنات نے. اور پھر اس غازی کی جو پوری تربیت ہوئی, یہی ہوئی ہے کہ تمہیں کربلا کا سرمایہ بننا ہے, کربلا میں تمہیں کام آنا ہے. بچپن سے جب تک کربلا نہ آئی, غازی یہی سنتا رہا کہ میں کربلا کے لیے ہوں. اور شب عاشور تو عباس کے کوئی جگر سے پوچھے, جب عباس سوچ رہے ہیں کہ کل آنے دو, سورج نمودار ہونے دو, صبح ہونے دو, میں بتاؤں گا کہ عباس کسے کہتے ہیں. اس منزل پر عباس نے دیکھا کہ ایک سوار نزدیک ہو رہا ہے. کہا میں زہیر, زہیر کیا کہنا چاہتے ہو؟ اور یہ مقتل نے سے لکھا ہے کہ زہیر قین کہتے ہیں, ابو الفضل عباس ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آقا ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے آپ کی مادر گرامی سے علی مرتضیٰ نے نکاح کیوں کیا تھا, شادی کیوں کی تھی؟ ایک مرتبہ مقتل کہتا ہے کہ ابو الفضل عباس نے رکابوں پر زور دیا, رکابیں ٹوٹ گئی اور جملہ فضا کربلا میں گونجا, اتشجعنی یا زہیر, کیا تم مجھے جوش شجاعت دلا رہے ہو؟ دیکھنا کہ کل کیا ہوتا ہے. لیکن ہائے کیسا امتحان لے لیا, ایک کے بعد ایک عباس دیکھ رہے ہیں مولا کے جانے سار خون میں خوالود ہو کے واپس آ رہے ہیں, خواب خون میں غلطہ, لیکن مولا اجازت نہیں دیتے, یہاں تک کہ اون محمد کی لاشیں آتی ہیں, قاسم کی لاش, اکبر کی لاش. اب ایک منزل وہ آئی کہ ابو الفضل عباس آگے بڑھے ہیں, مولا قد ذاق صدری, اب میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے. یہ تو سینہ تنگ ہو رہا ہے یہ کہا ہے, اور مولا کے سامنے ابو الفضل عباس نے, میں نے خود مقتل میں آج ہی پڑھا, دیکھا میں نے, اور پوری میں ذمہ داری کے ساتھ ابھی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ کربلا میں یہ عجیب مقام ہے کہ اپنے بھائی سے غازی نے صفین کے معرکے کو بیان کیا ہے. اے بھیا کیا تمہیں یاد ہے کہ گھاٹ پر قبضہ دشمن کا ہو گیا تھا, بابا نے مجھے اور مالک اشتر کو بھیجا تھا, ہم نے قبضے کو چھڑایا تھا, پانی پہ قبضہ کیا تھا. یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں, اے بھائی آپ یہ فکر نہ کریں کہ حبیب نہیں ہے, زہیر نہیں ہے, مسلم ابن اوسجا نہیں ہے, آپ کا یہ اکیلا بھائی ان دشمنوں کو بھگانے کے لیے کافی ہے. عزیزو اس منزل پر مشکل بہت سخت تھی, اس سکینہ نے مشکل کو آسان کر دیا. حسین اجازت دینے کے لیے تیار نہ تھے. ایک مرتبہ سکینہ کی آواز آئی, اللہ داش ہائے پیاس, ہائے پیاس. اب عزیزو عباس سب کی مشکلوں کو حل کرتے ہیں, سکینہ مشکل کشا عباس بن گئی. حسین نے آواز دیے, اے بھیا رن کی اجازت تو نہیں, لیکن جاؤ پانی کی سبیل کر لو. اب عزیزو مشکیزے کو لیا, عباس خیمے سے باہر نکلے, ادھر سکینہ ننے ننے بچوں کو جمع کیا. اے بچوں اب تم پیاسے نہیں رہو گے, اس لیے کہ میرا چچا جا رہا ہے. اے مجھے اپنے چچا کی وفا پہ پورا اعتبار ہے, مجھے پورا یقین ہے یہ چچا جائے گا تو خالی ہاتھ واپس نہ آئے گا. اے بچوں
अब थोड़ी देर में तुम अपनी प्यास को बरतरफ कर दोगे। बाजीजो अबुल फजल अब्बास चले पहुंचे, अरे लश्कर छटा 4000 का लश्कर दूर, इतनी दूर कि अगर हमला भी करे तो अब्बास को गजन नहीं पहुंच सकती। फरात पे कब्जा जमाया, घोड़े को उतारा, मशकीजा थोड़ा खुश था, भरने में थोड़ी देर लगी, उसके बाद चुल्लू में पानी को लिया। बाजीजो एक हसास मरहला, चुल्लू में पानी को देखा, लिया और लेने के बाद पानी पे मार दिया। पानी न पिया, लोग कहते हैं ज़करात असल हुसैन, हुसैन की प्यास। मैं कहता हूं नहीं, प्यास तो उसे याद आएगी जो किसी एक लम्हे में हुसैन को भूला हो। एक एक पल एक एक सेकंड हुसैन को याद रखते हैं, सकीना की प्यास को याद रखते हैं। यह मंजिल नहीं थी, फिर मंजिल क्या थी? सन 40 हिजरी, वसीयत को याद करो। एक मर्तबा अबुल फजल अब्बास ने दिल ये कहता है, पानी को लेके नजफ का रुख किया होगा, बाबा सन 40 हिजरी में वसीयत की थी, इदा काना यौम आशूरा व अंत दखलत फिल मसया इयाका अंतशरब अलमा, ए बाबा आज तुम्हारे बेटे का फुरात पे कब्जा है, ये देखो वसीयत को पूरा कर रहा हूं। पानी को लिया, पानी के मुंह पे मार दिया। बाजीजो अबुल फजल अब्बास लेके मशकीजे को चले, अरे कुछ दूर चले थे, फौजे पलटी। अब पता है कि अब्बास की सारी तवज्जो पानी पहुंचाने पे है, अब अब्बास जंग के इरादे से खैमे की तरफ नहीं जा रहे हैं, जब सारी तवज्जो पानी के ऊपर है। एक मर्तबा अरे वहां पर खुरमे के दरख, खजूरों के दरख और उसी के दरमियान से बचते बचाते अब्बास खयाम हुसैनी का रुख किए हुए एक शख्स ने छुपके वार किया, अरे दाया बाजू खलम हो गया। आगे बढ़ते जाते रफ्तार नहीं रुकी, एक मर्तबा एक और वार हुआ, अरे बायां बाजू भी कलम हो गया। अब क्या किया जरी ने, ये वफाए अब्बास है, ये बसीरत अब्बास है। एक मर्तबा दांतों थे मशकीजे को दबाया और चलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। एक शख्स कहता है मैं दूर से देख रहा था, दायां बाजू कलम हो चुका, बायां बाजू भी कलम हो चुका, आखिर वो कौन सी ताकत है जो अब्बास को खैमों तक लेके जा रही है। तो मैंने देखा कि अब्बास बढ़ते जाते हैं और कुछ जुमले हैं जो अब्बास की जबान से निकल रहे हैं। मैंने जुमलों को सुना तो जुमले ये थे, अल्लाहुम्मा कद औसिलनी इलैहिम, ए मेरे परवरदिगार इस पानी को हुसैन के खैमे तक पहुंचा दे, फइन्ना अतफाल हुसैन अतशाना, हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। यानी क्या, ए मेरे मालिक मेरा बाजू कलम हो गया, ए मेरे मालिक दायां बाजू नहीं बायां बाजू भी नहीं, लेकिन ताकत देने वाला तू है, अगर तू चाहेगा ये पानी पहुंच जाएगा। एक मर्तबा शकी कहता है मैंने समझ लिया अब्बास के ऊपर कितना भी हमला करेंगे कुछ नहीं होगा। कहता है मैंने दूर से निशाना लिया, अरे सनसनाता हुआ तीर मशकीजे में लगा, पानी बहा, बाजीजो अब्बास की आस टूट गई। अरे इसी असना में एक जालिम ने निशाना लिया, एक तीर सनसनाता हुआ, अरे अब्बास की आंखों में, सलामत रहो सलामत रहो। अबुल फजल अब्बास का मातम है, ऐसे ही हक है कि गिरिया होना चाहिए। फातिमा दुआ देंगी, बीबी दुआ देंगी, मेरे बेटे पर तुमने इस तरह से गिरिया किया, इस बीमारी के बावजूद, इस कोरोना की वबा के बावजूद, ए अबुल फजल अब्बास अरे जरा इन पर नजर करो, ये तुम्हारे आशिक, ये तुम्हारे आजादार बेटे हैं। दो चार जुमले मैंने जहमत को खत्म कर दिया। ये जो मंजिल है बहुत सख्त मंजिल है, सोचो अजीजो एक बहादुर एक अब्बास जैसा एक जंगजू जिसकी रगों में अली का लहू है, अरे उसके साथ क्या हुआ, मश्क बह गई, अब बाजू नहीं अब आंख में तीर है, तो अब्बास कैसे निकाले। ए मौलाए कायनात मुश्किल कुशा, सारी दुनिया की मुश्किलों में उनके काम आने वाले, एक करबला के मैदान में आ जाओ, अपने बेटे की मुश्किल को आसान कर दो। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे हुसैन, माँ की गोदी यहाँ भाग रहे हैं।
तुम्हारे बच्चे महफूज है। बाजीजो अब इसको महसूस करे कि कैसे निकाला। एक मर्तबा अबुल फजल अब्बास ने अपने सर को नीचे किया, घुटनों को उठाया और घुटनों के दरमियान तीर को निकालना चाहते थे। एक जालिम ने गुर्द लगाया। बाजीजो उम्मुल बनीन की कमाई, एक आवाज गूंजी, भैया मेरा सलाम है आखिर। अरे कोई दिले हुसैन से पूछे, कमर को पकड़ लिया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा किसी गम में न रोलाए सिवाय गम हुसैन। एक मर्तबा हुसैन ने कमर को पकड़ा, मर्सिया तुम्हारा सुना हुआ है, अलहान इनके सरा जहरी, याखी भैया तेरे मरने ने मेरी कमर तोड़ दी। दूसरा जुमला, वकलत ही लती, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तीसरा जुमला, वो शम्मत भी अदुवी, ए अब्बास अरे कहाँ हो, देखो दुश्मन मुझे ताना दे रहा है। दुश्मन ने ताना देना शुरू किया, बहुत नाज था ना अब्बास पर, देखो हमने अब्बास का क्या किया। ए हुसैन बहुत भरोसा ना था ना, हमने क्या किया। बाजीजो पहुंचे आखिरी मंजिल, जहमत खत्म हो रहा हूं, पहुंचे तो क्या देखा, वो भाई जिसका हाथ 47 हिजरी में मौला ने हुसैन के हाथ में दिया था, अब उसके बदन पे हाथ नहीं है। देखा अब्बास की एक आंख से सूझा रही है, ए भैया अब्बास अरे ये क्या हो गया। एक वसीयत की आवाज देते हैं, ए बेहक की जद्दी का या मौलाई, ए आका ए मौला। अरे वसीयत क्या है, वसीयत ये करते हैं, दानी फिहादहिल मकान, इतनी गुजारिश है मेरे मौला कि मेरी लाश को खेमे में न लेके जाइएगा। मक्तल का जुमला सुनो, कलेजा फट जाएगा। क्या हो, क्या हो, आवाज दी हुसैन ने, लिमाजा याखी, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं चाहते कि ज़ैनब तुम्हारी लाश पे आके मातम करे। ये तसव्वुर में पेश करो, क्या तुम नहीं चाहते कि उम्मे फरवा, अरे उम्मे लैला ये सब आए, क्यों चाहते हो कि मक्तल में न लेके जाऊं। आवाज दी, फइन्नी मुस्तहयुन बिइब्नती का सुखैना, अरे आपका ये जरी सकीना से शर्मिंदा है, वादा किया वफा न कर सका, इस जरी पर हमारा लाखों सलाम। बाजीजो भाई ने गुजारिश की, ए मेरे चाहने वाले भाई, जब तक जिंदा रहे हमेशा तुमने मुझे भाई का, हमेशा तुमने मुझे मौला कहा, आका कहा, एक मंजिल पर भाई कह दो। बाजीजो सारी ताकत को समेटा, हुसैन को आखिरी बार भाई कहा, तो हुसैन ने परचम को उठाया, मजलिस खत्म हो गई, अलम की आप ज्यारत करेंगे। अब जो परचम को लेके उठे, सकीना ने दूर से देखा, आ जाओ बच्चों, मैंने कहा था ना अरे मेरा जरी पानी लेके आएगा। बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया, नन्हे नन्हे बच्चे, छोटे छोटे कूसे, अब्बास अब्बास तुम पर सलाम, पानी आ गया। अरे अब जो आलम करीब आया, सकीना ने देखा, अरे खून हुसैन, खून में डूबा हुआ परचम, ए बाबा अरे मेरा चचा, ए बाबा पानी न मांगूंगी, अरे चचा से मिला दो पानी का सोलो सयालम अल्लाह।